क्या ये एक मतलब 15 साल 10 साल पूरी फ्रेंचाइजी को कैरी कर सकता है? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आयरन मैन को आप रिटायर कर सकते हो, सुपरमैन को नहीं कर सकते, है ना? वो सुपरमैन, बताओ, वो किंगडम कम जैसे इवेंट में ऐसे रिटायर होके चला हाँ, फिर जाएगा, रिका फिर रिबूट दस होके साल रिकास्ट होगा सब कुछ। दस दस 15 साल बाद आप कह सकते हो, या फिर लॉजिकली 5-6 साल बाद आप उसे वापस ला सकते हो। हाँ, वो नया एक्टर आएगा। तो मतलब ये है कि आपको सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमेन, ये तीनों कैरी करेंगे पूरे यूनिवर्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जज करना, कि रादर देन जजिंग की मूवी कैसी है, यू हैव टू जज कि ये कैरेक्टर्स में कितना पोटेंशियल है। और मेरे को लगता नहीं है कि अभी ये जेम्स गन का डीसीयू में अभी बैटमैन की हमें मूवी देखने को मिलेगी पहले फेज की। हाँ, होल्ड करेंगे। उसका रॉबर्ट रॉबर्ट पैटिंसन का तो वो अलग ही चलने वाला है ना, या वो अलग फेज उसकी का ही है? वजह से, मेरे को लगता है उसकी ही वजह से इन्हें होल्ड करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है रॉबर्ट पैटिंसन वाली जो बैटमैन है उसकी ट्रिलॉजी कंप्लीट करके उसको बंद करेंगे, और अरे मैट रीव्स बहुत को टाइम दे बोलेंगे दिया कि, गया यार। हाँ नहीं, मैट रीव्स को बोलेंगे आप जल्दी बनाओ। मैट रीव्स से बोलेंगे कि आप मतलब 4-5 साल में इसको खत्म करो, क्योंकि इनको भी अपना यूनिवर्स अभी पूरा, जैसे अब तुम मान लो अगले साल डीसी की, इस यूनिवर्स की कोई मूवी नहीं है। 2024 में आई थिंक मैट रीव्स की बैटमैन है ना? तो अगर 2024 में एक है, तो आई गेस वो लोग बोलेंगे तुम कि 26 में एक और ले आओ, 26 में अगली बनाओ। है ना? तो अगर वो बोलेंगे 26 तक आती है, तो ये लोग मेरे ख्याल से 25 में सुपरमैन की फर्स्ट पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि 24 में नहीं आ सकती, 24 में उस पे वो काम शुरू होगा। या अगर मान लो 23 में भी होता है, तो भी 24 एंड में आएगी वो। तो अगर वो सुपरमैन हमको 24 एंड में देखने को मिलता है, तो 25 में हम वंडर वुमन की सोलो मूवी देख सकते हैं, 26 में रॉबर्ट पैटिंसन की भले ही आ जाए, तो तब तक ये लोग नए बैटमैन पे काम शुरू कर देंगे। मतलब इट विल फिट टुगेदर, अगर आप उसको देखते हो देखो, तो वो अभी हो मेरे जाएगा। ख्याल से ये तो है कि भाई अभी जो नेक्स्ट पोटेंशियल डीसीयू की मूवी है, वंडर वुमन तो रहेगी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छी चलती है और लोग पसंद भी करते। कोविड की वजह से छोड़ देते, वरना चल चल जाती वंडर वुमन भाई हाँ नाम की वजह से। हाँ तो वो वंडर वुमन तो रहेगी मेरे ख्याल से डीसीयू के फर्स्ट फेज में, और सुपरमैन भाई साहब फिर वही बात आ जाती देखो, सुपरमैन उनकी मूवी है, हाँ मुझे लगता है एक ग्रीन लैंटर्न की मूवी रहेगी। फ्लैश कि रुकेंगे एक रुकेंगे, दो फ्लैश साल को रुकेंगे, क्योंकि फ्लैश की एक अगले साल ही आ रही है ना। तो 2 साल एटलीस्ट रुकेंगे उसके लिए। फ्लैश पे भी रुकेंगे, और हाई यार इट बिकम्स वेरी ट्रिकी ना, क्योंकि अगले साल फ्लैश और एक्वामैन दोनों आ रही है, तो आप एक्वामैन भी नहीं ला सकते और साइबॉर्ग फ्लैश को भी नहीं। रिकास्ट करना पड़ेगा क्या? और हाँ, तो सबको मतलब सबको रिकास्ट कर दिया, एक्वामैन को नहीं किया फिर। एक्वामैन को तो कर रहे एक्वामैन हैं। तो मेरे ख्याल से अभी नहीं लगता कि लोबो की मूवी आ रही है, जैसे पोस्ट के सब लगते हैं लोबो का है क्या लोबो की यार? मूवी वैसे आप अपन गेस करते रहेंगे तो फिर बहुत नहीं, आने मतलब दो जो कुछ जो नहीं कुछ। जस्टिस लीग खड़ा करता है अपने को, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग बात लगी।